सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एलसी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल के इस वॉल्यूम बटन की कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं पता होगा। आप इस वॉल्यूम बटन का काम क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या कि वॉल्यूम घटाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वॉल्यूम बटन की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो कि आप देख के एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी एप्लीकेशन, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा ताकि जो कुछ आपको समझाऊं वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे से समझे आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन पर प्रेस कर दिया ताकि मैं फीचर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है वॉल्यूम बटन ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इतना लिख आपको सेंड कर देना। उसके बाद चैनल के आइकॉन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में चाहिए ना, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको माय इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी। जहाँ जाकर मैं इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी प्रॉब्लम आती तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो के टाइटल प्रेस करना है। टाइटल प्रेस करते वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन होकर जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आएगा, उसके जगह एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। जहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जैसे ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना है। मैं यहाँ पे दो बार अप वॉल्यूम बटन प्रेस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं दो बार अप बटन प्रेस करके यहाँ पे कन्फर्म कर दूंगा और यहाँ पे आपको नो कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर डालेगा, कुछ भी आप डाल दीजिएगा और उसका आंसर याद रखिएगा ताकि आपको कभी ये पासवर्ड भूल जाए तो इसके मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दो परमिशंस को आपको अलाउ करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं परमिशंस को अलाउ करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन को ढूंढिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन ढूंढिएगा और यहाँ पे इस परमिशंस को अलाउ कीजिएगा। दोबारा से आपको दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी परमिशंस को अलाउ करना, उसके लिए भी आपको इसको एप्लीकेशन ढूंढना है, परमिशंस को अलाउ करना, उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश के ऑप्शन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जैसे ही यहाँ पे बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद मैं वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन ओपन करेगा उसको ये पता होगा कि ये एक नोट पैड है, इसमें आप कुछ लिख के इसको डन कर सकते हैं और इसको बैक आ सकते हैं। लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है, वो अब मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे आप जैसे ही दो बार वॉल्यूम अप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सीक्रेट ओपन होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का एप्स लॉक है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन में यहाँ पे आप लॉक लगाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आप सबसे पहले ढूंढ लीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन आप में लॉक लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को यहाँ से आप ढूंढिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस लॉक वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लॉक सेट हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैं बैक आऊंगा। बैक आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करूंगा तो यहाँ पे टोटल तरीके से ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ये ओपन ही नहीं होगा यहाँ पे जब तक मैं अपना सीक्रेट कोड नहीं डालूंगा। सीक्रेट कोड क्या होता है, यहाँ पे दो बार जैसे ही मैं वॉल्यूम अप बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बैक आऊंगा। बैक आने के बाद वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, फिर से ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन की मदद से लॉक लगा सकते हैं और ऐसा लॉक लगाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और वॉल्यूम बटन के मदद से सिर्फ ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का लॉक अपने मोबाइल में आप लगा के आप अपने मोबाइल के कुछ एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।